हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग सोल पे। तो मैं हूं नितेश। मैं आज लेके आया हूं बिल्कुल डिफरेंट वीडियो रिएक्शन, जो किसी मूवी का ट्रेलर नहीं है, कोई नई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है। इनफैक्ट ये वीडियो है एक ऐसे थीम पे, एक ऐसे इश्यू पे जो हम सभी के मन में कहीं ना कहीं होता है, पर हम बहुत सारी भ्रांतियों के बीच में उस चीज़ को देखते हैं। बहुत डिफरेंट नज़रिए से अभी तक देखते आ रहे हैं हम लोगों में से। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो इसके प्रति निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, बट मुझे क्योंकि अच्छा लगा और मुझे लगता है कि जिस भी बंदे ने इस वीडियो को बनाया है उसने बहुत ही अच्छे सोच के साथ ये वीडियो बनाया है। हर बार की तरह वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में ऐसा क्या है तो इसको देखने के लिए पहले आइए ये वीडियो देख लें। बट वीडियो देखने से पहले जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। बरे सगीर पाको हित तो सम्मान्य कौमों की धरती, जिनका इतिहास सदियों पुराना है, मगर क्यों है फिर ये इतना तनाव? क्यों है? शायद हमारी सोच के कारण। ये दाना चुगते परिंदे कुछ गर्ज नहीं इन्हें कि ये पाकिस्तान की सरजमीन है या हिंदुस्तान की। ये फिजा जिसमें ये उड़ रहे हैं ये हिंदुस्तान की है या पाकिस्तान की, गर्ज है तो अपनी आजादी की। अंदरूने शहर लाहौर की तंग गलियों में बसते कदीम मकान हो या पुरानी दिल्ली के लजीज पकवान, इनकी गलियों में गले मिलते घर बस एक ही पैगाम दे रहे हैं, पैगाम मोहब्बत का पैगाम। वही पुराने घर, वही टूटे फूटे दरो दीवार, फकत एक पैगाम मोहब्बत का पैगाम। वही एक खेल जो इन दोनों देशों पर राज करता है, इन दोनों देशों में बसने वाले करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है। सूरज तारीकी लाता है मगर उम्मीद की किरण जला कर जाता है। आओ वही उम्मीद की किरण जलाएं, नफरतें मिटाएं। तो जैसा कि आपने देखा, ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला वीडियो है। इसे बनाया हुआ है रिएक्शन एनोनिमस करके, एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान का, उन्होंने बनाया है। जो वॉइस बैकग्राउंड वॉइस है या फिर जो चीज़ें उसमें कही गई है, बहुत ही फैक्ट से की बातें हैं कि सरहद के इस तरफ हो लोग या सरहद के उस तरफ हो, प्रॉब्लम दोनों के साथ सेम है, हालियात सेम है। इनफैक्ट कुछ सालों पहले तक, 1947 के पहले तक दोनों एक ही मुल्क थे, अब अलग हुए हैं, लेकिन उनके बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है वो इतनी मोटी और इतनी ऊंची हो गई है कि हम कुछ और देख नहीं पा रहे हैं। और इससे रिलेटेड कुछ वाक्य जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं 2013 में जब दुबई फर्स्ट टाइम आया था तो मैं पहली बार किसी पाकिस्तानी को फेस टू फेस देखा था। जी, उससे पहले मैंने हमेशा टीवी में देखा है, न्यूज़ में देखा है, पेपर में देखा है, लेकिन 2013 तक मैंने किसी भी पाकिस्तान के सिटीजन को नहीं देखा था। यहाँ पे आने के बाद मैं उनसे देखा, उनसे मिला, और मेरी बहुत सारी मेरी खुद की गलत फहमियाँ दूर हुई कि लोग इधर के हों या उधर के हों, अच्छे दोनों साइड होते हैं, बुरे दोनों साइड होते हैं। आज की तारीख में मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी फैमिली रिलेशंस उनके साथ मेरी बनी हुई है। और एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि लोग बुरे नहीं होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी कंट्री हो, लोग सभी के अच्छे होते हैं। सभी जगह कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारी मूलभूत संरचनाएं हैं, जो हमारी बेसिक कल्चर है, वो जरूर मिलती है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग एक बार आत्म अवलोकन जरूर करेंगे कि हमारी सोच क्या है, हम कैसे सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या नहीं। सच हमेशा तीन तरह का होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक हमारा सच होता है, एक सामने वाले का सच होता है, और एक सच होता है जो सच में सच ही होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक ज़रूर करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और एक्सप्लोरिंग सोल चैनल देखते रहें।